बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तो सब लोग खैरियत ना होगे। अल्लाह पाक तुम सब ना अपने घर तो खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, ते सुखी रखे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, असी पिंड चले गए सीगे ते बाजी ने 9 ते 10 मुहर्रम नूं दुरूद तंजीना पढ़वाया सी ते उन्होंने कहा कि सुबह असी फजर दी नमाज़ पढ़ीए। नमाज़ पढ़ के असी उठे हाँ तो उन्होंने कहा जी असी ना अज समोसे बना लैने क्योंकि तुहानू पता है मार्केट्स वगैरह भी 9 ते 10 मुहर्रम च बंद सीगियां तो जिहड़ी चीज़ घर बनाई जाए साफ सुथरी बनाई जाए उहदी क्या ही बात है। तो असी फिर समोसिया की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो भाजी ने मैदा वगैरह गुन्या, उहदे विच नमक पाया, जीरा पाया, ऑयल पाया थोड़ा जिहा, ते उन्होंने उहदी डो वगैरह तैयार करके ना वो रख ली। तो फिर मैं जिहड़ा सी मैं अमेजा वगैरह तैयार किया सी। देखो उन्होंने गुन्या है, आटा गुन्या है, गुन के उन्होंने तकरीबन 1/2 घंटे लिए रख दिता सी। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा कटिंग करके दिखाइए। उन्होंने एक 1/2 घंटे लिए आटे को रख दिता। आटे को रखने के बाद उन्होंने छोटे छोटे पेड़े बना ले। तुम्हें पता है मैं पहले भी दस्या कि आटे में जिन्ना आटा पीसा है उन्नी अच्छी वो रोटी बनती है। अच्छा जी, उन्होंने क्यारी के ना बड़ा जबरदस्त किस्म का बड़ा ही सोहना फ्रैश किस्म का पुदीना लगा हुआ सी। पुदीना वगैरह कटिंग किया ताकि बाजी मैं साफ करके दे देन। असी मसाले जो अमीजा है समोसिया का असी पा लीए। तो आ देखो जी, पुदीना सी, धनिया बाजार वो मंगवाया हुआ देखो उन्होंने मतलब सीन के उन्होंने गमले रखे हुए थे, एक छोटी जी क्यारी सी। देखो उन्होंने धनिया साफ करके दे दिता, सॉरी पुदीना साफ करके दे दिता, पुदीना वगैरह साफ किया। पुदीना साफ करके नाल जिहड़े सीगे असी उबले हुए जिहड़े सुबह आलू रखे से बॉयल करके वो सीगे, नाल थोड़ा जे लसन के जवे से जिहड़े मैं पीस के थोड़े जे ऑयल दे विच पा के थोड़ा जिहा लसन नूं बदामी रंग का कर लेना। फिर मैं इहदे विच पाउणा है जी लाल मिर्चा पीसिया हुई, बिच मैं नमक भी पाया, बिच मैं जो पाइए कलवंजी भी पाइए, ठीक है। फिर मैं ये कटिया हुई हरिया मिर्चा पा दीतियाँ। यकीन जानो इन्नी क गर्मी से ना कि कुछ समझ नहीं आती कि मसाला कड़ा पहले पाता तो कड़ा बाद चो पा दिता। ऐसे तरीके का सी, तुम्हें भी जरूर मैंने कमेंट्स बॉक्स दसना कि तुहाडे इलाके च किन्नी क गर्मी सी। अच्छा जी, उस बाद उबले हुए आलू पा दिते। उबले हुए आलू पाने तो बाद मैं ये पा देवगी बॉयल किए हुए चने, बिच चने भी पाए से कितने बिच आलू भी पाए से। आ देखो जी, बिच चने के आलू पा दिते। हुण असी मसाले जिहड़ा बनाया सी उहदे च मिक्स कर लवेंगे तो तड़का लगा लो ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता। आ देखो जी, फ्रैश तैयारी का कटिया हुआ धनिया असी पा दिता जी। क्या ही बात है, क्या वो लुक आई है जी, वाड़े वाह। अच्छा जी, हुण असी पावांगे इहदे विच नींबू नचोड़ नचोड़ के। हत्थां दा नींबू नचोड़न दा बहुत ही मज़ा है तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मशीन नींबू नचोड़ो तो वह अद्धा विच ही रही होंदा वा। आ देखो जी, नींबू नचोड़ लिया इहदे विच ते बड़ा खट्टा मिठा बड़ा मज़ेदार किस्म का मेज़ा तैयार होया सी। आ देखो, फिर उन्होंने मैं ताना अच्छे तरीके नाल मैश कर लिया क्योंकि चम्मच के नाल जिहड़े सी आलू उहदे नाल चणिआं नाल मैश नहीं हो रहे सी। ते बाकी जिहड़ा उहदी फिलिंग वाला प्रोसीजर है वह कैप्चर नहीं कर सके। तुहानूं मैं दस्सिया गर्मी की शिदत दी विआ तो फिर असीं वजू वगैरह किया तो असीं दुरूद तंजीना स्टार्ट कर लिया सी क्योंकि 9 बजे असीं टाइमिंग दी हुई सी तो 9 बजे सब आ चुके सी। तो असीं फिर फैमिली दे मतलब सीगे तो असीं फिर पढ़ना शुरू करता तो चणियां दे उत्ते सफेद चणियां दे उत्ते काउंटिंग करन दे सी। असीं उस तों बाद समोसे फ्राई करके आ चुके सी। तो आ देखो जी, समोसिया की लुक किन्नी प्यारी आई है। आ वेखो जी, समोसे आ गए जी फ्राई होके। समोसिया के नाल सलाद सीगा,
ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਸੀ, ਖੀਰੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਲਾਲ ਚਟਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਭ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਰਾਇਤਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਨ ਬਤਾਏ ਕੈਸੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੇ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਰੈਂਡਸ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੀ ਸਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।